फिजिक्स से नंबर वन इंस्टीट्यूट कालेस फिजिक्स, संत एकनाथ रंग मंदिर च्या बाजूला उस्मानपुरा. कॉल 9112063306. हॅलो एवरीवन, आय एम राजेश काळे, मेंटर अँड डायरेक्टर ऑफ कालेस इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स उस्मानपुरा औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर. तो यूनिट की सिस्टम भी होती है. सिस्टम का मतलब होता है एक से ज्यादा. सिस्टम कभी भी एक टर्म से नहीं बनती है. सिस्टम कभी भी एक इंसान से नहीं होती है. सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा होते हैं. फिर इसीलिए जो भी टर्म्स हमने यूज करी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो ली है, डिराइव क्वांटिटीज जो ली है, इन क्वांटिटी को मेजर करते हैं हम पर्टिकुलर यूनिट में. और इस यूनिट को अगर हम किसी सिस्टम में डालेंगे तो उसे कहते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम. कितने टाइप है टोटल? चार टाइप है सिस्टम ऑफ यूनिट की. सिस्टम ऑफ यूनिट की ट्री डायग्राम हमने निकाली है. ट्री डायग्राम एक बार उसे चेकआउट करते हैं कि फर्स्ट जो आ रहा है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट. उसकी फर्स्ट ब्रांच जो दिख रही है आपकी, वो फर्स्ट ब्रांच है सीजीएस सिस्टम. कौन सी है? सीजीएस सिस्टम. सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, जी स्टैंड फॉर ग्राम एज अ यूनिट ऑफ मास, और यस स्टैंड फॉर सेकंड एज अ यूनिट ऑफ टाइम. तो ये पहली जो सिस्टम है, पहले सिस्टम का नाम है सीजीएस सिस्टम. सेकंड जो सिस्टम है वो है एमकेएस सिस्टम. कौन सी सिस्टम है? एमकेएस सिस्टम. एम स्टैंड फॉर मीटर, एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, और यस का मतलब होता है अगेन सेकंड. मीटर, उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद सेकंड. ये सारे के सारे यूनिट कौन से फिजिकल क्वांटिटी के है? ये है लेंथ, मास एंड टाइम के है. तीसरी जो सिस्टम है हमारी, तीसरी सिस्टम है एफपीएस सिस्टम. एफ का मतलब होता है फुट, और फुट हम किसमें मेजर करते हैं? लेंथ. फुट में हम कौन मेजर करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं. पी स्टैंड फॉर पाउंड एज अ यूनिट ऑफ मास, और यस स्टैंड फॉर सेकंड एज अ यूनिट ऑफ टाइम. तो तीसरी जो सिस्टम है हमारी वो है एफपीएस सिस्टम. और चौथी और फोर्थ लास्ट वन जो सिस्टम है हमारी, वो लास्ट वाली जो सिस्टम है वो है एसआई सिस्टम. एस का मीनिंग होता है, एस का मीनिंग होता है सिस्टम, और आई का मीनिंग होता है इंटरनेशनल. इसे हम सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऐसे भी रीड कर सकते हैं. मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट के टोटल कितने सिस्टम है? टोटल चार सिस्टम है. पहला वाला जो था वो था सीजीएस सिस्टम, उसके बाद एमकेएस सिस्टम, उसके बाद एफपीएस सिस्टम, और नेक्स्ट वन इज एसआई सिस्टम. इन होल फिजिक्स और इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन इंडिया, जो तीसरी नंबर वाली जो सिस्टम है ना, एफपीएस सिस्टम, ये इंडिया के अंदर यूज नहीं होती है. इंडिया के अंदर यूज नहीं होती है, लेकिन फिजिक्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को मेजर करने के लिए हम इसे यूज करने वाली है. इसके बाद एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, ये जो दो सिस्टम है ना, ये बोथ द सिस्टम आर सिमिलर. दोनों के दोनों सिस्टम कैसे है? सिमिलर है. लेकिन एसआई जो सिस्टम है वो एसआई सिस्टम, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, कौन है? मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? एमकेएस सिस्टम का. एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है. अभी हमने क्लासिफिकेशन तो उसका देख लिया है. क्लासिफिकेशन इन द सेंस हमने सिस्टम ऑफ यूनिट देखे है टोटल चार के चार. और इससे पहले हमने क्वांटिटीज देखी थी. कौन सी क्वांटिटी देखी थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी. तो हमने यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक पूरा टेबल देखा, टेबल बना के रखा है. आप इस टेबल को चेकआउट कर सकते हैं. इस टेबल के अंदर पहला जो कॉलम आपको दिख रहा है वो पहला कॉलम है क्वांटिटी का, दूसरा जो कॉलम है, सेकंड कॉलम है सीजीएस सिस्टम का, तीसरा जो कॉलम है वो है एमकेएस सिस्टम का, चौथा जो कॉलम है, फोर्थ नंबर, वो है एफपीएस सिस्टम का, एंड लास्ट वाला जो कॉलम है वो है एसआई सिस्टम. उसके सिंबल्स के साथ हमने उसे मेंशन किया है. तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? मास. इसका सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है वो यूनिट है ग्राम. एमकेएस सिस्टम में इसका यूनिट है किलोग्राम, और एफपीएस सिस्टम में इसका यूनिट है पाउंड. तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है किलोग्राम, जिसे हम केजी से इंडिकेट करते हैं. दूसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ. लेंथ का सीजीएस सिस्टम में यूनिट आ रहा है. सीजीएस सिस्टम चेकआउट करिए, टेबल की तरफ फोकस करिए कि टेबल के अंदर हमने एक एक यूनिट मेंशन की है. लेंथ जो है, लेंथ का यूनिट है सीजीएस सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर, एमकेएस सिस्टम के अंदर मीटर, पाउंड एफपीएस सिस्टम के अंदर, एफपीएस सिस्टम के अंदर इसका यूनिट होता है फुट, और एसआई सिस्टम के अंदर इसका यूनिट है मीटर. उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है टाइम.
टाइम का सीजीएस सिस्टम के अंदर, एफपीएस सिस्टम के अंदर, एमकेएस सिस्टम के अंदर और एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट शुड बी द सेम, दैट इज सेकंड. किस में है? सेकंड में है. नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर को हम सीजीएस सिस्टम में अगर मेजर करते हैं तो डिग्री सेल्सियस लेंगे, अगर हम उसे एमकेएस सिस्टम में मेजर करते हैं तो उसे हम केल्विन लेंगे, लेकिन एफपीएस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर का कोई भी यूनिट नहीं है. नेक्स्ट जो है वो है एसआई सिस्टम. तो एसआई सिस्टम के अंदर अगेन टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम बोथ आर सिमिलर सिस्टम. क्या है? सिमिलर है, सेम है. एसआई सिस्टम जो है वो एमकेएस के बाद डेवलप हुई है. एसआई सिस्टम इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम. कौन है एसआई सिस्टम? एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है. इसका मतलब जो यूनिट एमकेएस में है वही कहां पर है? एसआई सिस्टम के अंदर है. नेक्स्ट जो टर्म है वो है करंट. अगर करंट को अगर हम सीजीएस सिस्टम में काउंट करेंगे तो सीजीएस में इसका यूनिट नहीं है. उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और लुमिनस इंटेंसिटी भी है. इन सारी फिजिकल टर्म्स का सीजीएस सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका एमकेएस सिस्टम, करंट को अगर हम एमकेएस में मेजर करेंगे तो उसे हम एम्पियर में मेजर करेंगे. एफपीएस के अंदर वापस से इन सारी फिजिकल टर्म्स का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन एसआई सिस्टम के अंदर इसका यूनिट प्रेजेंट है. इन द सेंस ये सारी की सारी जितने भी सिस्टम हमने देखी है, चारों के चारों सिस्टम, इसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि CGS सिस्टम कौन सा है? CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड FPS सिस्टम, ये तीनों के तीनों सिस्टम सिर्फ तीन फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पर डिपेंड है, लेंथ, मास एंड टाइम. मतलब ये जो तीन सिस्टम हमने जो लिए हैं या फिर यूनिवर्स ने जो कंसीडर करे हैं, इसके अंदर सिर्फ लेंथ, मास और टाइम सिर्फ तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पर बनाई गई है. लेकिन चौथी वाली जो है, फोर्थ नंबर, SI सिस्टम, दिस SI सिस्टम यूजेस All the seven fundamental quantities to measure it. सारी की सारी सात के सात fundamental quantity का use किया है. So total सात के सात fundamental quantities के ऊपर अगर कोई system dependable है तो वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन सी है? SI system है. कौन सी है? SI system है. ये था हमारा यूनिट, और यूनिट का हमने पूरा का पूरा टेबल भी देखा था. इसके बाद हमने जो जैसे कहा कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, टोटल कितनी क्वांटिटीज है? सात क्वांटिटीज है. सात फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट जो होते हैं उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं. और फंडामेंटल का जो मीनिंग हमने पहले भी देखा, जैसे कि वो क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होती है. डिपेंडेबल होती है क्या? नहीं होती है. ठीक है, तो फिर ये अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर इसको फर्स्ट मेजर करने के लिए जो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड लिया है या फिर रेफरेंस लिया है कि हमने ये फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जैक्ट कहां पर मेजर की है, इसका मतलब इनके पर्टिकुलर डेफिनेशंस भी है. इन शॉर्ट, डेफिनेशन ऑफ द कौन, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट है. हम ये सात के सात फंडामेंटल यूनिट्स के बेसिक डेफिनेशन देखने वाले हैं. पहली जो डेफिनेशन है वो पहली डेफिनेशन कौन सी है? मीटर है. क्या है 1 मीटर? 1 मीटर इज दैट डिस्टेंस. कौन सा? 1 मीटर इज दैट डिस्टेंस विच अकोमोडेट, कितना अकोमोडेट कर रहा है? 1650763.63 वेव्स इन द वैक्यूम ऑफ ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय क्रिप्टॉन 86. मतलब 1 मीटर डिस्टेंस कितना होता है? तो क्रिप्टॉन 86 जो है वो क्रिप्टॉन 86 की रेड ऑरेंज लाइट की जो वैक्यूम के अंदर जितना वो स्पेस कवर कर लेगा, जितना डिस्टेंस वो क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, उसे हम क्या कहेंगे? 1 मीटर कहेंगे. और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रही है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आपके माइंड के अंदर फिक्स करके रखनी है, क्योंकि नीट के अंदर, नीट के ऊपर या फिर JEE के ऊपर ये वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आता है. इसके ऊपर आएगा वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आएगा. इसके बाद आपको मीटर की डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड लिया है, जो रेफरेंस लिया है, किसका रेफरेंस लिया है? क्रिप्टॉन 86 का रेफरेंस लिया है. हमने इसे हाईलाइट करे है. इस जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने कंटिन्यूसली हाईलाइट करना चाहा है. नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है वो है किलोग्राम की. क्या है किलोग्राम की डेफिनेशन? किलोग्राम के यहाँ पर दो डेफिनेशन है. कितने डेफिनेशन है? टोटल 2 डेफिनेशन है. पहली डेफिनेशन है कि किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम. किसका? इट इज अ किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम. प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर ऑफ डायमीटर इक्वल टू द हाइट.
क्या है, एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर है जिसका डायमीटर इक्वल है, किसके इक्वल है, उसी के हाइट के इक्वल है, इज इक्वल टू द हाइट, इज प्रिजर्व इन वॉल्ट, कहां पर प्रिजर्व किया है, वॉल्ट क्या है, एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट, एंड मेजर एट, कहां पर मेजर किया है, सेवर्स में मेजर किया है, सेवर्स कहां पर है, नियर द पेरिस है, नियर द पेरिस है, इसे हम क्या कहते हैं, 1 kg कहते हैं, 1 kg कहते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन आ रही है बी पॉइंट के नाम से, क्या है, 1 kg इज द मास ऑफ 1 liter ऑफ वाटर एट 4 degree Celsius, क्या है कि 1 kg यानी कितना मास, 1 liter ऑफ वाटर, कितना, 1 liter ऑफ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 degree Celsius पर, मतलब 4 degree Celsius टेम्परेचर के ऊपर, कितना, 4 degree Celsius टेम्परेचर के, टेम्परेचर पर 1 liter मास का, 1 liter वाटर का जो भी मास होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम 1 kg कहेंगे। उसके बाद एक और डेफिनेशन है जो न्यूली फॉर्म है, वो सी नाम से हमने उसे इंडिकेट कर दी है। तीसरी डेफिनेशन क्या है कि 1 kg इज द मास ऑफ 5 × 10^2, यहाँ पर वैल्यू चेक आउट करिए, क्या है, 5 × 10^25 एटम ऑफ कार्बन C12, मतलब कार्बन C12 के जो एटम है उनकी क्वांटिटी कितनी है, 5 × 10^25, इतने अगर हम एटम एक साथ अगर लेंगे तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, 1 kg कहने वाले हैं। तीसरी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है सेकंड की, क्या है सेकंड, कि 1 second इज दैट अमाउंट ऑफ टाइम इन विच सेसियम 133 एटम मेक्स द, कौन, सेसियम 133 एटम के वाइब्रेशन, कितने वाइब्रेशन, ये एक फोन नंबर की तरह आपको दिख रहा है, टोटल 10 नंबर है, किसी का भी फोन नंबर होगा आप चेकआउट कर लीजिए या फिर उसके ऊपर कॉल करके देखिए, क्या है नंबर, 9192631770, इतने वाइब्रेशन जो है सेसियम 133 एटम के, इतने वाइब्रेशन को हम 1 second कहते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो है एम्पियर की, व्हाट इज मीन बाय एम्पियर, द 1 ampere इज द इलेक्ट्रिक करंट व्हिच व्हेन पासिंग थ्रू पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, क्या कह रहा है कि 1 ampere इज द इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, यहां पर देखिए डेफिनेशन आ रही है साइड बाय साइड, और इसे नोट करना ना भूलिए, मेरी फेस की तरफ मत देखिए, यहां पर इसे चेक आउट करिए और नोट करते चलिए कि 1 ampere क्या है, 1 ampere, 1 ampere इज दैट इलेक्ट्रिक करंट व्हिच व्हेन पास थ्रू टू पैरेलल कंडक्टर, किसमें से, टू पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, लेंथ जो ली है हमने वो लेंथ कैसे ली है, टोटल इनफाइनाइट लेंथ ली है, कि एक 1 ampere इज दैट इलेक्ट्रिक करंट व्हिच व्हेन पासिंग थ्रू द टू पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड ऑफ निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है, निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, कहां पर प्लेस किया हमने, यूनिट डिस्टेंस के अंदर उसको प्लेस किया है, विच प्रोड्यूसेस द फोर्स ऑफ, कितना फोर्स प्रोड्यूस करने वाला है, 2 × 10^-7 Nm, एक्चुअली फोर्स का जो यूनिट होता है ना वो यूनिट सिर्फ न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं कि जो दो कंडक्टर है उन दो कंडक्टर की लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट है, कैसे है, इनफाइनाइट है, इसका मतलब हमें लेंथ पर्टिकुलरली पता नहीं है कि वो कितनी लेंथ जाने वाली है, इसलिए यहाँ पर हम द फोर्स प्रोड्यूसेस कितना लिखा है, 2 × 10^-7 Nm लिखा है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है वो नेक्स्ट डेफिनेशन है केल्विन की, 1 kelvin इज इक्वल टू द 1/100 पार्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस है किसका, डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इन दोनों का डिफरेंस का 100th पार्ट यानी कौन है, 1 kelvin है, ये हमारी पहली डेफिनेशन है। सेकंड वाली जो डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन है कि 1 kelvin इज इक्वल टू द 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, जो कि हम नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स के सेक्शन में हमें उसकी डेफिनेशन भी चेकआउट कर लेंगे, एग्जैक्ट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर हम कौन चेक करें कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 पार्ट जो लेते हैं हम थर्मोडायनामिकली उसे भी हम क्या कहते हैं, 1 kelvin कहते हैं। 6 नंबर की जो डेफिनेशन है वो है कि कैंडेला की, व्हाट इज मीन बाय
candela? It is a luminous intensity. Candela kon hai? It is a luminous intensity in the direction at right angle to the surface of a black body at the temperature equal to the. Kiske equal hai? Check out karte chaliye. Definition wapas ek baar repeat kar raha hu ki it is the luminous intensity. It is a luminous intensity in the direction of, in the direction at right angle to the surface of black body at the temperature equal to the, किसके equal है? Melting point of platinum under the pressure of this number 101325 newton per meter square. And last one definition जो है वो है mole की. क्या है mole की definition? Total mole के दो definition है. पहली वाली जो है वो है, one mole is that amount of substance contained as many elementary entities. ऑक्सीजन एटम कौन सा लिया है हमने? यहाँ पे ऑक्सीजन 16 लिया है, जिसका 0.016 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट कितना, 1 मोल. और 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन C12 यानी कौन, 1 मोल होता है. नाउ आफ्टर द टेकिंग द डेफिनेशन, ये सात जो हमने डेफिनेशन देखे, ये सात के साथ कौन है, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज है और फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स है. इसके अलावा दो और यूनिट है, जिस यूनिट को हम क्या कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट. कौन है सप्लीमेंट्री यूनिट? दो सप्लीमेंट्री यूनिट है. पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियम. रेडियम कौन सा है? रेडियन. फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट इज अ रेडियन. वन रेडियन इज एंगल सबस्टेंडेड बाय arc of length equal to the radius is called one radian. Second definition जो है वो है steradian की. steradian की definition क्या है? The solid angle subtended at the center of sphere by an arc of its surface equal to the square of radius of the sphere. ये होता है steradian. ठीक है, तो जो पहले जो unit है supplementary के अंदर वो है radian. radian जो होता है वो plane angle के लिए आता है, और steradian जो होता है, तो steradian हम solid angle के लिए use करते हैं. ये जो हमने पूरा का पूरा जो देखा है, ये total regarding था unit के. यहाँ पर हमारा unit dimension and measurement में से सिर्फ एक point पूरा throughout complete होता है, वो है unit का. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू. अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.